नमस्ते, हेलो, बॉन्जोर, इट्स मी शेफाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं और अपने घर पे हैं। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कोविड के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। आजकल जब भी हम न्यूज़ देखते हैं हमेशा हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कोविड के केसेस दिन पे दिन और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अभी अपने घर पे रहो और जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करो। वैसे तो मोस्टली सिटीज़ में लॉकडाउन लग गया है तो वो लोग तो ऑलरेडी घर के अंदर है, बट अगर आपकी सिटी या स्टेट में नहीं लगा लॉकडाउन तो भी आपको अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर जाओ, क्योंकि घर पर जितना रहोगे उतना सेफ रहोगे। और जैसे पिछले साल हमने बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखी थी तो क्यों ना हम इस साल भी वही कंटिन्यू करें। और मैंने सोचा है कि मैं भी ब्राउन ब्रेड बनाती हूँ आज, क्योंकि यहाँ पर ब्राउन ब्रेड इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो हमने सोचा है कि अब से हम घर पे ही बनाएंगे। तो कोशिश है, ट्राई करते हैं। चलिए, सो ब्राउन ब्रेड के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास अवन हो, अगर आपके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन है तो आप उसमें भी ब्रेड को बना सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे होंगे आप हम अपनी वीडियोस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। हाफ कटोरी पानी को 20 सेकेंड्स के लिए आप माइक्रोवेव कर देना। ल्यूक वॉर्म वाटर में अभी हम 2 स्पून शुगर या फिर हनी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें हनी यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहें तो 2 स्पून शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। टीस्पून नमक और ये जो हमने फर्मेंट किया था हमने यीस्ट और हनी को, देखो कितने अच्छे से फूल गया है पूरा कटोरी। अब इसको भी ऐड कर देते हैं। जब ये अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाएगा इसमें आप 2 स्पून ऑलिव ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। हो गया अच्छे से मिक्स, मैं ऐड करती हूँ इसमें ऑलिव ऑयल। और अभी इसको गूंदने के लिए हमें हल्का ल्यूक वार्म वाटर का ही यूज करना है। आपको ये आटा वैसे गीला ही रखना होता है, अगर आपको लगे कि गीला है तो आपको और आटा ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप उसको गूंद गूंद के ही सही सुखा सकते हो। हमें थोड़ा सा और गीला करना है, थोड़ा फ्लफी फ्लफी चाहिए होता है आटा। अभी ये आटे की कंसिस्टेंसी एकदम सही हो गई है और इसमें जो हमने यीस्ट डाला है उसकी प्रूफिंग करने के लिए हम इसको 45 मिनट्स का रेस्ट देंगे। और आपको जो ये रेस्ट देना है ये थोड़ी वार्म प्लेस में देना है, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा राइज हो जाएगा उसके आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे। 45 मिनट्स कम्प्लीट हो गया है और अब देखते हैं हमारा आटा कैसा है। वाह, देखो कितने अच्छे से फूल गया एकदम। तो अभी एक बार मुझे इसे फिर से गूंदना होगा।
अब हमें इसे एकदम खींच खींच के भूनना है ताकि इससे इसका सारा ग्लूटेन निकल जाए। देखो ऐसे जैसे खींच खींच के करना है और ये तब तक करना है जब तक आपके हाथ से आटा चिपकना बंद ना हो जाए। ये आपके हाथ में अगर आटा चिपकेगा ऐसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नीट करते रहना और ये अपने आप ही छूटना बंद हो जाएगा। ये एक तरीके से निशानी होती है इसकी कि इसका ग्लूटेन जो है वो पूरा निकल चुका है। और इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करती रहूँगी। और अभी एकदम से देखो सही हो गया, हाथ में चिपकना भी बंद हो गया और आई होप इसकी ग्लूटेन भी रिलीज हो गई हो। तो अभी इसमें मैं सूखा आटा डालूंगी। इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे इसको ऐसे रख के और इसको कोने कोने में हमें स्प्रेड करना है इवनली ताकि ना छोटे और अच्छे से शेप भी आ जाए। अब इसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और फिर से हमें इसको 45 मिनट्स का रेस्ट देना है ताकि ये और प्रूविंग हो जाए इसकी। चलो 45 मिनट्स बाद मिलते हैं। अभी हमारा आटा अच्छे से राइज हो चुका है और अवन को भी हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दिया था, तो अभी इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और 30 मिनट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो लेट्स सी कैसी बनी है ब्रेड। हाँ पक गई एकदम। चलो अब इसको हम मोल्ड में से निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है। सो अभी हमारी ब्रेड जो है वो एकदम रेडी हो चुकी है, तो एकदम सॉफ्ट बनी है ब्रेड हमारी और कलर भी देखोगे तो एकदम अच्छे से आया है चारों तरफ से। और अभी मैं इसका आपको फीडबैक देती हूँ। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत क्रैक्स दिख रहे होंगे तो वो इसीलिए आया है क्योंकि जब मैंने आटे को नीड किया था तो उसका ग्लूटेन जो है अच्छे से रिलीज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारा आटा भी स्ट्रेच ही नहीं था। तो इस बात का हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। और इसके नीचे मैंने अभी ये चिमटा लगा रखा है क्योंकि जब ये ब्रेड गर्म होती है तो इसके नीचे मॉइस्चर बैठ जाता है, तो इसके नीचे से हवा पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास जाली वाला स्टैंड है तो आप इसके नीचे वो लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने चिमटे के ऊपर रख दिया इसको, तो हमारा काम बन गया है। सो अभी ब्रेड हमारी ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है तो अभी हम इसको काट के देखते हैं कैसी बनी है। देखो आप
एकदम सॉफ्ट है, जैसे मार्केट की ब्रेड होती है एकदम। कलर भी एकदम वैसे ही आया है और घर पे बनी है तो ऑब्वियसली हेल्दी तो है ही। परफेक्ट है एकदम। तो बस इसमें एक क्रैक ही आया है, एक वही है, बाकी तो ऑलमोस्ट बाहर वाले ही टेस्ट है पूरा का पूरा। तो आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए घर पे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस ब्रेड के लिए हमने एग्स और मिल्क का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जितने भी हमारे वेजिटेरियन और वीगन फ्रेंड्स हैं वो इस रेसिपी को इजीली ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो हमको बिल्कुल बताना कि कैसे लगी आपको ये वाली रेसिपी। और इस नोट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू।